त्योहारों में भी जाएंगे बच्चे स्कूल। बिहार के स्कूलों में होने वाले हैं अर्धवार्षिक एग्जाम, SCERT की तरफ से नोटिस। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में अर्धवार्षिक परीक्षा यानी मिड टर्म टेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने इम्तिहान का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, साथ ही में SCERT द्वारा इस अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इस इम्तिहान का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि 25 सितंबर यानी जीवित पुत्रिका पर्व वाले दिन भी परीक्षा होगी। बच्चों के साथ सभी शिक्षक भी उपस्थित होने चाहिए। इस अर्धवार्षिक परीक्षा में वीक्षण के काम के लिए प्रधानाध्यापक और संबंधित वरीय शिक्षक को छोड़कर स्कूल के बाकी शिक्षकों को अपने पास वाले स्कूलों में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। जारी किए गए नोटिस के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा वर्ष 2024 का आयोजन इस महीने की 18 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक किया गया है। क्लास 1 और क्लास 2 की परीक्षा मौखिक यानी ओरल रूप से ली जाएगी। इस विषय में संबंधित दिशा निर्देश की व्यवस्था सभी जिलों में जिला पदाधिकारी के पास कराई जा चुकी है। वहीं क्लास 3 से क्लास 8 तक के बच्चे की परीक्षा लिखित रूप में होगी। परीक्षा का शेड्यूल अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि 18 सितंबर को पहली पाली में विषय पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। ये क्लास 3 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी। दूसरी पाली में क्लास 6 से 8 तक के लिए विषय विज्ञान की परीक्षा होगी। 19 सितंबर को पहली पाली में विषय राष्ट्रभाषा हिंदी और दूसरी पाली में विषय संस्कृत की परीक्षा ली जाएगी। 20 सितंबर को पहली पाली में हिंदी और उर्दू भाषा की मौखिक परीक्षा होगी। ये क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होगी। दूसरी पाली में सह शैक्षिक गतिविधियों को अवलोकित किया जाएगा। 21 सितंबर को पहली पाली में हिंदी और उर्दू भाषा की परीक्षा होगी। ये क्लास 3 से क्लास 5 के लिए होगी। दूसरी पाली में क्लास 6 से क्लास 8 तक की भी इसी भाषा की परीक्षा होगी। 22 सितंबर को मदरसा स्कूलों के लिए क्लास 1 और क्लास 2 के लिए हिंदी और उर्दू भाषा की मौखिक परीक्षा होगी। ये दूसरी पाली में सह शैक्षिक गतिविधियों को अवलोकित किया जाएगा। बता दें कि अर्धवार्षिक परीक्षा के एक विषय की परीक्षा जीवित पुत्रिका पर्व वाले दिन ही है। 23 सितंबर को पहली पाली में विषय अंग्रेजी की परीक्षा होगी। ये परीक्षा क्लास 3 से क्लास 5 के लिए होगी। दूसरी पाली में भी अंग्रेजी की ही परीक्षा होगी। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए होगी। 24 सितंबर को पहली पाली में क्लास 3 से क्लास 5 के लिए विषय गणित की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए भी गणित की ही परीक्षा होगी। 25 सितंबर को क्लास 1 और क्लास 2 के लिए विषय अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा होगी। इसी दिन जीवित पुत्रिका पर्व भी है, जो खास तौर से हिंदू धर्म में बेटों के लिए किया जाता है। आखिरी दिन यानी 26 सितंबर को क्लास 1 और क्लास 2 के लिए विषय गणित की मौखिक परीक्षा होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।